पानी की चाय बनाई है पतिदेव ने। पतिदेव लुक हियर, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। भाई संडे संडे अगर सुबह सुबह ऐसे पतिदेव गर्मा गर्म चाय बना के दे दे तो है दिन की शुरुआत ही बड़ी जबरदस्त होती है। और हमेशा तो मैं ही बनाती हूँ, बट कभी कभी इनके हाथ से पीने का अलग ही एक आनंद आता है। यू नो रेडीमेड चाय आपको मिल जाए आप उठो तो। और बस रोज़मर्रा की रूटीन वर्क स्टार्ट, दूध के पैकेट्स जो है उन्हें मैं जो है ना विम लिक्विड से थोड़ा धो के ही देन कट करके बॉईल करने रखती हूँ। बिकॉज जब से कोविड आया तब से ये प्रोसेस स्टार्ट की है, अदरवाइज़ पहले तो सिंपल प्लेन वाटर से धो के मैं जो है ना काट लेती थी पैकेट्स को, बट आजकल जो है ना मैंने ये विम लिक्विड से कंपल्सरी इन्हें जो है ना प्रॉपरली वॉश करती हूँ पैकेट्स, एंड देन उसके बाद ही यूज़ करती हूँ ये पैकेट्स। और रात को जो है ना ये काले चने मैंने भिगा के रखे थे, तो आज इसकी सूखी सब्जी बनाऊंगी काले चने की। और अब स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट। बस सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनेगा, पोहे बना रही हूँ जिसके लिए मैंने गाजर आलू और प्याज को कट कर लिया है। तो ब्रेकफास्ट भी जो है ना यहाँ पे रेडी हो चुका है। मेरी मेड जो है ना बर्तन क्लीन करके रख के चले गई है, बस अब ये सारे बर्तनों को मैं सेट कर दूंगी। और आज बनाना है मक्खन। मलाई भी जो है ना फ्रिज में काफ़ी सारी स्टोर हो चुकी है, तो मलाई का मक्खन एंड देन उसके बाद उसका घी बनाऊंगी। और घी का जो बुरादा निकलता है ना उसका आपके साथ जो है ना बहुत ही यम्मी सा पराठा की रेसिपी शेयर करूँगी।
बस मक्खन को जो है ना मैं अच्छे से एक दो पानी में धो दूंगी एंड देन उसके बाद इसे जो है ना गैस पे स्लो फ्लेम पे रख दूंगी सो दैट इसका जो है ना घी बन जाए। और अब चलते हैं बेडरूम की तरफ। तो यहाँ पे देखिए पूरे जो है ना मेरे बिस्तर वगैरह सब बच्चों ने कैसे फैला दिए हैं, पेपर एंड ऑल सब कुछ। तो बस अब इसे भी प्रॉपरली सेट कर लूंगी। यहाँ पे जो है ना मेरा बेड भी प्रॉपरली सेट हो चुका है और आज जो है मैं बनाऊंगी उपटन। और उपटन बनाऊंगी मैं मसूर की दाल का, बहुत ही न्यूट्रिशियस उपटन होता है स्किन के लिए, जो स्किन के एक्ने वगैरह होते हैं ना काफ़ी उसमें जो है ना रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पे मैं मसूर की दाल को जो है ना पहले मिक्सर ग्राइंडर के जार में ना छोटे वाले पॉट में अच्छे से उसका फाइन सा पाउडर बना लूँगी। मसूर की दाल का पाउडर भी जो है ना बन चुका है। अब इसे किसी ग्लास के कंटेनर में मैं जो है ना स्टोर करके रखती हूँ जनरली, और मैं काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करती हूँ ये मसूर दाल का जो उपटन होता है ना। सिंपली मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ दही डालती हूँ और थोड़ा सा हनी। दही कभी नहीं होता है तो फ्रेश जो मिल्क होता है ना, दूध और थोड़ी सी दूध की दही और आधा चम्मच जो है ना मैं हनी डाल देती हूँ। हनी भी स्किन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो बस इसका जो है ना उपटन मैं लगा लेती हूँ फेस पे महीने में एक दो बार तीन बार, जैसा भी टाइम मिला उस हिसाब से। तो बस अब जब तक ये उपटन सूख रहा है मैं थोड़ा सा लैपटॉप में एडिटिंग का काम कर लूँगी, क्योंकि आपके पास जो है ना वीडियोस भी पहुँचाने हैं मुझे। फेस पैक जो है ना वो भी अच्छा खासा ड्राई हो चुका है, तो अब मैं ले लूंगी शॉवर और उसके बाद आपसे मिलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे, अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो आज है संडे, तो सोचा संडे तो क्यों ना थोड़ा सा कुछ स्किन को भी पैम्पर किया जाए, तो इसलिए मैंने जो है ना आज मसूर की दाल का उपटन बनाया था अपने लिए। तो कभी कभी यू नो मूड होता है कि कुछ अच्छा सा हेल्दी सा स्किन पे भी अप्लाई किया जाए। तो आशीष और आशीष के पापा गए हुए हैं आश्रम, और वो लोग आश्रम में ही जो है ना लंगर खा के आएंगे। लंच का टाइम हो चुका है तो मैं बना लेती हूँ लंच। और लंच में जो है ना आज वर्षी का मन है दही चावल खाने का, तो उसे जो है ना मैं दही चावल दे दूंगी ब्रह्मा वर्षा दोनों को। और जो चने मैंने बॉयल किए थे ना सुबह मॉर्निंग में, तो उसी की सोच रही हूँ कि सूखी चने की सब्जी बना लूंगी, तो शाम को वो ना एज अ चाट भी काम आ जाएगी उसमें दही वगैरह ऐड करके। और जो मैंने घी आज निकाला है ना, तो घी में क्या होता है ना कि जो ब्राउन ब्राउन सा बुरादा निकलता है ना घी का, हम थोड़ा सा सूखे मावे के जैसे निकलता है उसमें बुरादा, तो इस बुरादे को जो है ना मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, इसका मैं बनाती हूँ पराठा, स्टफ्ड पराठा। बहुत ही टेस्टी बनता है। और मैं जो जनरली है ना इस बुरादे में शक्कर डाल के मीठा पराठा बनाती हूँ। आप चाहे तो इसमें ना नमक और काली मिर्च डाल के नमकीन पराठा भी बना सकते हैं, बट मुझे जो है ना इसका मीठा पराठा ज़्यादा पसंद है। तो बस अब वाला घी के बुरादे का मीठा पराठा बनाऊंगी और चने को जो है ना सूखा सा फ्राई कर लूंगी। और बस ये सिंपल सा जो लंच है ना हम खाएंगे। अब लंच का टाइम हो गया, तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं।
तो घी भी जो है ना, देखिए काफी देर पहले ही वैसे ये बन चुका था, मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया हुआ है। तो बस इसे अब मैं क्या करूंगी ना, छन्नी में छान लूंगी। और ये जो छानने के बाद जो इसका बुरादा निकलता है ना, ये भी काफी न्यूट्रिशियस होता है। इसे भी आप फेंकिए मत, आप इसका जो है ना, या मीठा पराठा या नमकीन पराठा, जो भी आपको अच्छा लगता है आप बना के इसे यूटिलाइज करिए। मैं तो भाई इसका मीठा पराठा ही बनाती हूँ। तो इस तरीके से ये बुरादा जो है ना निकल गया, और इसे कटोरी में डाला। और इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच शक्कर, आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं, बट मुझे ये शक्कर में ही अच्छा लगता है। और बस इसे अच्छे से मिक्स करके, और जैसे स्टफ्ड पराठा हम रेगुलर बनाते हैं ना, उस तरीके से बस रोटी आप छोटी सी बेल लीजिए और उसमें ये स्टफिंग डालिए 2-2.5 चम्मच भर के। एंड देन बस इसे फोल्ड करके अच्छे से रोल करके इसकी जो है ना आप रोटी बेल लीजिए। और क्योंकि ये खुद घी से बना हुआ है, तो इसमें जब हम सेकते हैं ना, तो ये घी रिलीज भी करता है थोड़ा थोड़ा। ऊपर से आप चाहे तो तेल लगा लीजिए चाहे घी, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि इसे घी में ही सेकिए, तो ही इसका जो है ना असली मज़ा है। तेल मत लगाइए इस पराठे में, बिकॉज़ वो फिर घी का भी फ्लेवर होगा, तेल का भी फ्लेवर होगा, तो आई डोंट नो कैसा स्वाद देगा। बट घी क्योंकि ये खुद भी रिलीज करता है, तो घी में घी डाला जाए तो मज़ा आता है, राइट। तो बस इसे जो है ना मैंने तवे पे अच्छे से सेक लिया, थोड़ा सा घी डाल के। मैंने अभी जो ताज़ा घी निकाला वो वाला घी मैंने उसमें नहीं डाला है, ये पहले का थोड़ा सा रखा हुआ था जो कि जम गया है, तो उसे ही मैंने इसमें डाल के यूज़ किया। तैयार है यम्मी वाला स्वीट पराठा, मेरा फेवरेट है ये पराठा, बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे ये मीठा पराठा। और ब्रह्मा को भी, हम माँ बेटे जो ना मीठे के शौकीन है। तो ये है हमारी आज की लंच की थाली, हमारी नहीं मेरी, क्योंकि हस्बैंड और आशीष तो गए हैं आश्रम। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।